खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, हफ्ते की आजादी मार्च हैदराबाद शहर में दाखिल हुआ है और इमरान खान के आजादी मार्च हैदराबाद शहर में दाखिल हुआ है। इमरान खान के कंटेनर के हफ्ते की आजादी मार्च का ये स्टॉप पर खड़े थे और कंटेनर पर उन्होंने यहाँ से खिताब करना था। कंटेनर के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान सातवां रोज था आज के वो इस लॉन्ग मार्च को लेकर आगे बढ़ रहे थे। इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की खबरें आती हैं। शुरू में मौजूद वहां पर लोगों को लगा कि फायर बॉक्स हैं, लेकिन फिर जब वहां पर भगदड़ मची और लोग जख्मी हुए तो अंदाजा हुआ कि ये फायरिंग हो रही है। और फिर उस शख्स की तस्वीर भी सामने आ गई जो फायरिंग कर रहा था, उसको रोकता हुआ शख्स भी हमें नजर आ गया है। इसके बाद पता चला कि इमरान खान जख्मी हुए हैं और हमने जब असद उमर साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने हमसे रियाज़ न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि इमरान खान की टांग में गोली लगी है, उनको लाहौर ले जाया जा रहा है। और फिर वो फोटोज भी सामने आ गई, उस वक्त वो आप मंजर भी देख सकते हैं जब इमरान खान को कंटेनर से गाड़ी में मुंतकिल किया जा रहा था। उनकी टांग पर जख्म है, उनकी टांग पर पट्टी बंधी हुई है। और साथ ही इस सारे वाक़े से मुतालिक अब खबर ये आ रही है कि वज़ीर आज़म ने इस वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस वाक़े के नतीजे के मुहरकात क्या थे, इस हवाले से तमाम का तफ्तीश की जाए, इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है वज़ीर आज़म ने। जबकि मनासर आपको दिखा रही है।